इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दों को इलाज मुआलजे की सहूलतकारी के मुकदमे की समाअत हुई। डॉक्टर आसिम हुसैन, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर और उस्मान मौजम पेश हुए। रुकन कौमी असम्बली खादिर पटेल की अदम हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और खादिर पटेल के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को झाड़ पिला दी। अदालत ने कहा, आप सरकारी काम और मुलजिमान के वकील ज्यादा लगते हैं, जिसके जवाब में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना था, मेरे पास जो दस्तावेजात हैं वही जमा कराई हैं। अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को पहली नशिस्त से उठने का हुक्म देते हुए कहा, आप यहाँ से उठें और पीछे जाकर बैठें। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुझे जब मुकदमे की तफ्तीश मिली तो मैंने बयानात कलम बंद किए। तफ्तीश से पता चला मुकदमा ATA का नहीं बनता। इस पर अदालत ने रिमार्क दिया, आपको तफ्तीश का पता ही नहीं है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश हों। अदालत ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अफजाल खान, C110 News, कराची। C110 News, खबर की असल खबर।